कोई पर्सन जाहिर हुआ या मीडियम में ऑलरेडी कोई पर्सन प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, लेट्स कॉल इट टॉन पीजी. ये टॉन पीजी भी एंट्री कर सकता है छोटी सी मोटर. अब चूंकि ये पर्सन है, ये तो ईपर को मार सकता है. देन व्हाट टू डू? ये ट्रांस एसिटाइलेज इस टॉन पीजी पे एसिटाइल ग्रुप ऐड करके इस पॉइजन को इनएक्टिव करा देता है. पॉइजन बन गया इनएक्टिव. इसका मतलब है नाउ इट इज नॉट हार्मफुल फॉर ईपर. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो स्टफ. आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इस टॉपिक के रिलेटेड सीएसआईआर नेट के अंदर हर सीजन के अंदर एक क्वेश्चन सेक्शन सी के अंदर आपको जरूर मिलता है. किस्मत वाले रहे तो बी पार्ट में भी एक क्वेश्चन कभी कभार ये पहुंच ही लेते हैं. रिमेंबर, ये जो टॉपिक है ये ट्वेल्थ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो ट्वेल्थ में पढ़ते हैं, उनके चैप्टर के अंदर एक जगह लैक ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट दिया गया है. और जनरली ये शिकायत रहती है कि लैक ऑपेरॉन सही ढंग से हमें समझ में नहीं आता है. सो माई होल पर्पज टूडे इज टू डिलीवर द लेक्चर ऑन द लैक ऑपेरॉन सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड होली एंड सोली. फॉर दैट You have to be with me till the end of the video. Although it can take 2 or 3 lectures to complete the whole concept of the lag operon, क्योंकि मैं as per CSIR पढ़ाऊंगा, तो इसके अंदर आगे बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं that we will cover inshallah. इस टॉपिक के रिलेटेड अगर हम बात करें इस about the lag operon topic, तो सीएसआईआर नेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. सो बिफोर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स सेट आउट द टॉपिक. टॉपिक में हमें दिया गया है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स. अब जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? जीन एक्सप्रेशन अगर हम सिंपल वर्ड्स में बताएं, जीन का एक्सप्रेस होना. नाउ इन बायोलॉजी व्हाट डू वी मीन बाय एक्सप्रेशन? हमें मालूम है कि डीएनए के अंदर पाए जाते हैं जीन्स. जीन जो है इट इज प्रेजेंट इन द डीएनए और इस जीन की हमें करवानी है एक्सप्रेशन. कैसे करवाएं? द जीन विल अंडरगो अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से एक ट्रांसक्रिप्ट बनता है. And that transcript is called as RNA. क्योंकि हमें फर्दर प्रोटीन भी बनाना है तो हम स्पेसिफिक रहेंगे टू mRNA. इसका मतलब हुआ कि mRNA हमेशा जीन से ही बनेगा और इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन. ये एक अलग टॉपिक है, दैट विल बी टेकन सेपरेटली. अब इस mRNA बहुत सारे एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स काम करते हैं इन ए प्रोसेस नोन एज ट्रांसलेशन एंड इससे हमें बनता है पॉलीपेप्टाइड. विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए प्रोटीन. सो वी गो फ्रॉम द जीन टू mRNA टू ए पॉलीपेप्टाइड. अभी तक हम इस चीज को जीन एक्सप्रेशन नहीं कह सकते. और तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब यही होता है जीन से प्रोटीन बनाना, जीन से पॉलीपेप्टाइड बनाना. लेकिन जीन एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि जीन से तो पॉलीपेप्टाइड बनाना है, लेकिन वो पॉलीपेप्टाइड फिर सही ढंग से बनना भी चाहिए. वो पॉलीपेप्टाइड फंक्शनल भी होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई जीन है जो इंसुलिन बना रहा है. एक बायोकेमिकल पाथवे चलती है जिससे हमें एट द एंड बाई प्रोडक्ट मिलता है इंसुलिन. लेकिन हमें यह देखने को मिल रहा है कि वो इंसुलिन काम नहीं कर रहा है. तो डज दैट मीन कि इंसुलिन का जो जीन है उसने एक्सप्रेस करा है? नॉट एट ऑल. बिकॉज जीन से जो इंसुलिन बना वो फंक्शनल बनना चाहिए था लेकिन बना नॉन फंक्शनल. सो जीन से आपको पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनाना है, लेकिन एट द एंड दैट प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड शुड बी फंक्शनल, दैट शुड कैरी आउट इट इज
इट शुड बी फंक्शनल एंड इट शुड कैरी आउट इट इज प्रॉपर फंक्शन. तब जाके आप बोल सकते हो कि जीन एक्सप्रेस हुआ. हमें पढ़ना है जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स. एक बैक्टीरिया के अंदर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं. इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. कुछ जीन्स जो कि कम अमाउंट में होते हैं वो ऐसे जीन्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली 24 आवर्स एक्सप्रेस करते हैं. 24 आवर्स वो कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस करते हैं और अपना प्रोटीन बनाते हैं. अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है बैक्टीरिया को कि इट हैज टू एक्सप्रेस इट्स जीन्स एवरी सिंगल टाइम. कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनके प्रोटीन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आरआरएनए को बनाने वाला जो जीन है वो कंटिन्यूअसली 24 आवर्स एक्सप्रेस करता है. क्यों? क्योंकि हमें पता है आरआरएनए राइबोसोम के बनने में मदद करता है और राइबोसोम प्रोटीन बनाने में मदद करता है. अब प्रोटीन तो चाहिए होते हैं दिन भर, इसका मतलब है आरआरएनए का बनना जरूरी है 24 आवर्स. आरआरएनए को बनाने वाला जो जीन है हम बोलेंगे कि वो कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस करता है. ऐसे जीन्स दैट एक्सप्रेस कॉन्स्टिट्यूटिवली आर कॉल्ड हाउसकीपिंग जीन्स. अब हम इस जीन को बैक्टीरिया के अंदर दो हिस्सों में बांट सकते हैं. फर्स्ट वन इज हाउसकीपिंग जीन्स, ऐसे जीन्स जो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस करते हैं. कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस. इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो आरआरएनए जीन्स, ठीक है. अब दूसरा जो जीन है ये ऐसे जीन्स होंगे जो कि एट गिवन टाइम्स बनाए जाते हैं. इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एट ए प्रॉपर टाइम बनाया जाता है. फॉर एग्जांपल, मसल कंट्रैक्शन करनी है आपको. मसल कंट्रैक्शन के अंदर आपको एक्टिन की जरूरत होती है, आपको मायोसिन की जरूरत होती है. जब आपको मसल कंट्रैक्ट करनी है तो एक्टिन और मायोसिन की जरूरत पड़ेगी. आपके अंदर एपिनेफ्रिन बनता है, नॉर एपिनेफ्रिन बनता है. एपिनेफ्रिन हमें जनरली इमरजेंसी सिचुएशंस में चाहिए होता है. तो जब इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तब जाके हम एपिनेफ्रिन बनाएंगे. एक बायोकेमिकल पाथवे चलेगी, एपिनेफ्रिन बनेगा. तो मैक्सिमम एंड मेजॉरिटी ऑफ द जीनस जो है वो कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस नहीं करते हैं. ऑल्दो रियर जीनस है जो हाउसकीपिंग है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जीनस है जिनको अंडर कंट्रोल रखा जाता है. जब उनकी जरूरत पड़ेगी हम बनाएंगे, नहीं पड़ेगी हम नहीं बनाएंगे. क्योंकि अगर हम ऐसे ही 24 आवर्स इनको भी बनाएंगे तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगी, क्योंकि एक बायोकेमिकल पाथवे को चलाने में बहुत सारे एटीपी मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है. सो वी डोंट वांट दैट. दैट मींस अदर काइंड ऑफ जीन्स जो हैं दे आर एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड व्हेन नीडेड, ठीक है. अब प्रोकैरियोट्स के अंदर, हमें जो डिस्कस करना है जीन रेगुलेशन या जीन एक्सप्रेशन. प्रोकैरियोट्स के अंदर दो तरह के प्रोटीन्स आपको मिलेंगे, रेगुलेटरी प्रोटीन्स. प्रोकैरियोट्स के अंदर रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस पे बैठ के जीन का एक्सप्रेशन करवाते हैं, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करवाते हैं. दो तरह के प्रोटीन्स जनरली प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं. वन इज कॉल्ड एज एक्टिवेटर एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज रिप्रेसर. ये दो जो प्रोटीन्स हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, ये अपने स्पेसिफिक सीक्वेंसेस के साथ बाइंड करके एक्टिवेटर
एक्टिवेट करेगा जीन ट्रांसक्रिप्शन को और रिप्रेसर रिप्रेस करेगा जीन ट्रांसक्रिप्शन को. दैट मीन्स एक्टिवेटर इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. जब रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज होती है इसका मतलब है प्रोटीन भी अच्छा खासा बनेगा. व्हाट डज दैट मीन कि एक्टिवेटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव रेगुलेशन. पॉजिटिव रेगुलेशन. व्हाट अबाउट रिप्रेसर? रिप्रेसर अपने सीक्वेंस के साथ बाइंड करके डिक्रीज करेगा रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को. डेफिनेटली प्रोटीन भी कम बनेगा. इसका मतलब हुआ इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव रेगुलेशन. सो एक्टिवेटर कॉजेज पॉजिटिव रेगुलेशन एंड रिप्रेसर इट कॉजेज नेगेटिव रेगुलेशन. नाउ वी विल मूव ऑन एंड विल ट्राई टू डिस्कस हाउ एग्जैक्टली दिस मैकेनिज्म वर्क्स. And we will see how lac operon works in bacteria, especially we are taking the example of E. coli. अब मान लीजिए कि हमारे पास एक sequence है, एक DNA का strand है. ये double stranded DNA है, double stranded DNA. ऑपरॉन का मतलब क्या है? हमें पढ़ना है लैक ऑपरॉन. या इससे लैक ऑपरॉन को समझने से पहले जो मैंने अभी बताया एक्टिवेटर और रिप्रेसर कैसे काम करते हैं वो विल शो दैट डायग्रामेटिकली. मान लो हमारे पास कुछ जीन्स हैं. ये है जीन्स, यहां से यहां तक कुछ जीन्स प्रेजेंट है और यहां से जीन्स का जो होना है, जीन्स की जो प्रेजेंस है यहां से स्टार्ट होती है. इसको हम बोलते हैं प्लस वन. प्लस वन डिनोट करता है कि प्लस वन के जो राइट साइड में जो है इनकी हमें एक्सप्रेशन करवानी है, इनके हमें प्रोटीन्स बनाने हैं. इसको हम बोलते हैं स्टार्ट साइट, जहां से जीन्स स्टार्ट होते हैं उस जगह का नाम दिया जाता है स्टार्ट साइट और प्लस वन साइट. ठीक है. अब एक नॉमन क्लेचर है जो प्लस वन स्टार्ट साइट होती है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, जहां से जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, दैट्स कॉल्ड एज प्लस वन साइट और स्टार्ट साइट. प्लस वन के जो राइट में आता है, रिमेंबर दिस इज अ नॉमन क्लेचर, वट एवर कम्स ऑन द राइट साइड ऑफ द प्लस वन इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम. ये टर्मिनोलॉजी है बायोलॉजी के अंदर, इट्स कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम. स्टार्ट साइड के राइट साइड में जो भी चीजें आएंगी दैट्स कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम. एंड स्टार्ट साइड के लेफ्ट में जो भी चीजें आ जाएंगी दोज आर कॉल्ड एज दे आर प्रेजेंट अपस्ट्रीम. अब जीन्स कहां प्रेजेंट है? डाउनस्ट्रीम में. बाकी सारी चीजें जो हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लस वन स्टार्ट साइट जो है इसके बिल्कुल अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है प्रमोटर. यहां से यहां तक दिस इज कॉल्ड एज प्रमोटर. ठीक है. प्रमोटर के अंदर ही ओवरलैप्ड कंडीशन में और एक सीक्वेंस होती है दैट्स कॉल्ड एज ऑपरेटर. यहां से यहां तक ऑपरेटर. व्हाट इज प्रमोटर, व्हाट इज ऑपरेटर? ये कुछ नहीं है, जस्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि कंसेंसस होते हैं. ठीक है. ये भी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये भी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं. इसको हम कहते हैं प्रमोटर, इसको हम कहते हैं ऑपरेटर. अब प्रमोटर की अलग, इसके अलग करेक्टर्स हैं, ऑपरेटर के अलग करेक्टर्स हैं. अभी के लिए आप समझो कि अपस्ट्रीम बिल्कुल प्रेजेंट होता है प्रमोटर और इस प्रमोटर के अंदर ओवरलैप्ड कंडीशन में प्रेजेंट होता है ऑपरेटर. ठीक है यहां तक.
और फिर यहां बिल्कुल और अपस्ट्रीम, प्रमोटर के अपस्ट्रीम, यहां पे एक प्रेजेंट होता है एक सीक्वेंस दैट्स कॉल्ड एज इनहांसर और इट्स कॉल्ड एज एक्टिवेटेड बाइंडिंग साइट और एक्टिवेटेड बाइंडिंग साइट। अभी मैंने आपसे दो चीजें डिस्कस की, एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर। देखिए जी कि एक्टिवेटर जो होता है वो हमेशा बाइंड करेगा एनहांसर के साथ, और जो रिप्रेसर होता है वो हमेशा बाइंड करेगा इस सीक्वेंस के साथ, ऑपरेटर के साथ। आप मान लो अभी के लिए इस सिचुएशन के अंदर एक्टिवेटर प्रेजेंट है, रिप्रेसर प्रेजेंट नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर, तो क्या हो जाएगा, मकसद क्या है, जीनस का एक्सप्रेशन करवाना, जीनस इन जीनस से प्रोटीन्स बनाना, एंजाइम्स बनाना, ठीक है। अगर हमारे पास एक्टिवेटर प्रेजेंट है, ये एक्टिवेटर बाइंड करेगा एनहांसर सीक्वेंस के साथ, किस तरह, लेट्स शो दैट। ये एक्टिवेटर जो है इट बाइंड्स विद इनहांसर और एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट। इससे क्या होगा, एक्टिवेटर का काम होता है आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करना। कहां रिक्रूट करेगा, रिमेंबर आरएनए पॉलीमरेज हमेशा बाइंड करता है प्रमोटर के साथ। अभी तो आरएनए पॉलीमरेज हमें दिख नहीं रहा है, आपको याद रखना है एक्टिवेटर जब अपनी स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ बाइंड करता है, ये फिजिकली आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच हो जाता है। आपको मैं दिखाता हूं इस तरफ, ये मान लो ये आरएनए पॉल है। अब देखो एक्टिवेटर फिजिकली अटैच विद आरएनए पॉलीमरेज एंड रिक्रूट्स दिस आरएनए पॉलीमरेज ऑन टू द प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज खुद भी आ सकता है लेकिन एक्टिवेटर की प्रेजेंस में जल्दी आता है, यही तो डिफरेंस है। अब दिस एक्टिवेटर इट विल ड्रैग, इट विल पुश दिस आरएनए पॉलीमरेज सो दैट आरएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड टू द प्रमोटर। अब मैं आपको इस तरह दिखाता हूं कि ये आरएनए पॉलीमरेज अपने प्रमोटर के साथ बाइंड करा, ठीक है जी। आरएनए पॉलीमरेज व्हेन बाइंड्स टू इट्स प्रमोटर इट विल गो ऑन, बिकॉज आप ये याद रखना कि मैंने अभी बताया था आपको कि रिप्रेसर बाइंड करता है ऑपरेटर के साथ, लेकिन अभी कंडीशन क्या लिया है हमने कि एक्टिवेटर प्रेजेंट है, रिप्रेसर एब्सेंट है, तो अभी रिप्रेसर नहीं आ सकता क्योंकि रिप्रेसर है ही नहीं, सो ऑपरेटर के साथ कोई बाइंड नहीं कर सकता अभी। सो दिस आरएनए पॉलीमरेज व्हेन इट विल बाइंड टू द प्रमोटर इट विल गो ऑन, इट विल जस्ट मूव ऑन लाइक दिस एंड इट विल ट्रांसक्राइब दीज जीन्स। यहां पे दो जीन्स होंगे, तीन जीन्स होंगे, चार जीन्स होंगे, कुछ भी हो सकता है, बट दिस आरएनए पॉलीमरेज व्हेन इट विल बाइंड टू द प्रमोटर इट विल गो ऑन एंड विल गो ऑन ट्रांसक्राइबिंग दीज जीन्स। यहां पे जो जीन्स है, मान लो ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी जीन, चार जीन्स हैं। अब देखो इन चार जीन्स के पीछे सिर्फ एक प्रमोटर लगा है, चार जीन्स के पीछे एक ही प्रमोटर लगा है, एक प्रमोटर के अंदर ये कंट्रोलर है। ऐसी कंडीशन जहां पे मल्टीपल जीन्स होते हैं और उनको कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक प्रमोटर होता है, इससे जो आरएनए बनेगा दैट्स कॉल्ड एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, यानी मल्टीपल जीन्स का एक ही एमआरएनए बनेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर हर एक जीन का अपना प्रमोटर होता है, हर एक जीन का, फिर एक्सेप्शंस होते हैं बट जनरली मैं बता रहा हूं। प्रोकैरियोट्स के अंदर कपल ऑफ, कभी कभार चार जीनस, पांच जीनस, छह जीनस को एक ही प्रमोटर के अंदर रखा जाता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन, क्योंकि मल्टीपल जीनस से एक ही ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है एंड इट्स कॉल्ड एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। मैं अब एमआरएनए दिखा रहा हूं यहां से यहां तक, असल में यहां पे डायरेक्शन भी होती है, फाइव प्राइम, थ्री प्राइम, ठीक है।
अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं कि 5 प्राइम 3 प्राइम, वो देखेंगे बाद में, लेकिन आप मान लो कि एक पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्ट बना, तो यहां पे यहां से यहां तक मान लो ए जीन का ट्रांसक्रिप्ट, यहां से यहां तक बी जीन का ट्रांसक्रिप्ट, सी जीन का ट्रांसक्रिप्ट, डी जीन का ट्रांसक्रिप्ट, ए का ट्रांसक्रिप्ट, बी का, सी का, डी का। अब क्या इस ट्रांसक्रिप्ट से हमें प्रोटीन मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, अगर कंडीशन सेल में सही है तो इस ए से अपना प्रोटीन बनेगा, बी से अपना प्रोटीन, सी से अपना प्रोटीन, डी से अपना प्रोटीन। यही तो हम चाहते थे कि इन जीन से हमें प्रोटीन्स बने। अब ये प्रोटीन्स अपना अपना काम करेंगे। तो काम की बात क्या है कि जब भी एक्टिवेटर प्रेजेंट होता है, वो अपनी स्पेसिफिक साइट पे बाइंड करके आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करता है ऑन टू द प्रमोटर, एंड देन आरएनए पॉलीमरेज गोज ऑन एंड ट्रांसक्राइब्स द स्पेसिफिक जीन्स, उनसे हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। फर्स्ट कंडीशन। नाउ वी विल सी द सेकंड कंडीशन। ये था प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर। अब मान लो देयर इज प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर, ठीक है। अभी एक्टिवेटर एब्सेंट है, तो एक्टिवेटर को हम मिटा देते हैं क्योंकि एक्टिवेटर अभी प्रेजेंट नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज़ को भी हम मिटा देते हैं, हम नॉर्मल कंडीशन रखेंगे। ठीक है जी, अभी रिप्रेसर प्रेजेंट है, एक्टिवेटर प्रेजेंट नहीं है। रिप्रेसर कहां बाइंड करता है? रिप्रेसर की अपनी सीक्वेंस कौन होती है जहां पे वो बाइंड करता है? मैंने कहा था वो ऑपरेटर होता है। रिप्रेसर करेगा क्या? ये मान लो एक रिप्रेसर है, एक रिप्रेसर है। रिप्रेसर जनरली बाइंड करता है ऑपरेटर के ऊपर। अब ऐसे मान लो रिप्रेसर ने बाइंड किया अपनी स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ऑपरेटर पे। अब इससे क्या होगा? जब ऑपरेटर पे रिप्रेसर बैठता है, अब देखो आरएनए पॉलीमरेज़ तो नॉर्मली आ ही जाता है, एक्टिवेटर तो जल्दी रिक्रूट करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक्टिवेटर चाहिए होता है आरएनए पॉलीमरेज़ के रिक्रूटमेंट के अंदर। नो, आरएनए पॉलीमरेज़ ऐसे भी आ सकता है। मान लो आरएनए पॉलीमरेज़ आ भी गया, ये है आरएनए पॉलीमरेज़, मुझे बताइए जाएगा किधर? क्यों? सामने ऑपरेटर पे रिप्रेसर बैठा है। आरएनए पॉलीमरेज़ अभी भी चाहता है कि मैं इन जीन्स को एक्सप्रेस करवाऊं इनटू द प्रोटीन्स, बट आरएनए पॉलीमरेज़ जो ही आगे की ओर मूव करता है, सामने एक बंदा बैठा है नोन एज रिप्रेसर। इट मीन्स रिप्रेसर डज नॉट अलाउ द आरएनए पॉलीमरेज़ टू मूव फॉरवर्ड एंड एक्सप्रेस दीज जीन्स। क्या करवाया रिप्रेसर ने फिर? इसने ट्रांसक्रिप्शन की रेट को घटाया। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेगेटिव रेगुलेशन, क्योंकि सामने रिप्रेसर बैठा है, आरएनए पॉलीमरेज़ कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। इट मींस इन जीन्स की एक्सप्रेशन नहीं हो सकती है, देयरफॉर नो एक्सप्रेशन, ना ही ट्रांसक्रिप्ट बनेगा ना ही प्रोटीन बनेगा। दो कंडीशंस आपने समझी, पॉजिटिव रेगुलेशन कंट्रोल्ड बाय द एक्टिवेटर, नेगेटिव रेगुलेशन कंट्रोल्ड बाय द रिप्रेसर। व्हाट इफ एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर बोथ आर एब्सेंट? क्या ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी? आपको याद रखना है, अगर एक्टिवेटर भी एब्सेंट है एंड रिप्रेसर भी एब्सेंट है, तब भी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। कैसे? लेट मी शो यू। अभी हम इस रिप्रेसर को रेज करते हैं और आरएनए पॉलीमरेज़ को भी रेज करते हैं। सो दिस इज द सिनेरियो। नाउ सी, फ्रॉम एक्टिवेटर एब्सेंट, रिप्रेसर एब्सेंट, अब क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया था कि आरएनए पॉलीमरेज़ नॉर्मली भी प्रमोटर के साथ बाइंड करता है। अभी तो एक्टिवेटर एब्सेंट है, रिप्रेसर भी एब्सेंट है। अब क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज़ आएगा, अपने प्रमोटर के साथ बाइंड करेगा। उसके बाद क्योंकि अभी रिप्रेसर नहीं है प्रेजेंट ऑपरेटर पे, क्योंकि रिप्रेसर एब्सेंट है, सो दिस आरएनए पॉलीमरेज़ इट विल गो ऑन एंड विल ट्रांसक्राइब दिस जीन्स
एंड विल इवेंचुअली मेक प्रोटीन फ्रॉम इट. ठीक है जी. अब फर्क क्या है, ये जो अभी ट्रांसक्रिप्शन होगी इसको हम कहते हैं बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, प्रोटीन भी बनेगा, लेकिन इट्स कॉल्ड एज बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. अब आप बताएंगे क्यों. आपको यह याद रखना है लैक ऑपरॉन के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर जो प्रमोटर होता है ये वीक प्रमोटर है, इट्स नॉट ए स्ट्रांग प्रमोटर. अब आप बताएंगे कि वीक क्यों है, क्योंकि प्रमोटर में हमें पता है कि दो तरह के सीक्वेंसेस होती है, आपने पढ़ा भी होगा -10 सीक्वेंस एंड -35 सीक्वेंस. -10 में प्रेजेंट होता है TATAAT एंड -35 में प्रेजेंट होता है TAGACA. ठीक है जी. अब वो सीक्वेंसेस एग्जैक्टली मैच नहीं करती है इस प्रमोटर के साथ. आप मान लो इस प्रमोटर के अंदर -10 जो है उसमें नॉर्मली होना चाहिए TATAAT, बट इधर फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट है, इस तरह मान लो आप इसमें होना चाहिए TATAAT, ये होता तो स्ट्रांग प्रमोटर कहलाता, लेकिन इसके अंदर होता क्या है TATAGT, सी भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, जीटी प्रेजेंट है. What does it mean? It is not resembling with the strong promoter. It is not resembling with that sequence which should be present in the normal promoter. ठीक है जी? इसका मतलब ये weak promoter है. जब weak promoter है, तो RNA polymerase जब attach हो जाता है इस promoter के साथ, ये सही ढंग से attach नहीं होता. इसका मतलब है, जब सही ढंग से attach नहीं होता है, तो सही ढंग से transcription नहीं करा सकता, सही ढंग से proteins नहीं बन सकते at the end. इस लेवल की ट्रांसक्रिप्शन को हम बोलते हैं बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. वीक प्रमोटर इसलिए है, आप ये भी खुद गेस कर सकते थे, तभी तो हमने एक्टिवेटर की साइट रखी है, क्योंकि प्रमोटर वीक है तभी हमें इस चीज की जरूरत है. अगर प्रमोटर स्ट्रांग होता इस चीज की जरूरत ना पड़ती. ठीक है, ये हो गया अबाउट एक्टिवेटर, अबाउट रिप्रेसर एंड अबाउट व्हाट कैन हैपन इफ बोथ आर एब्सेंट. अब हम देखेंगे कि लैक ऑपरॉन काम कैसे करता है. आई शैल इरेज दिस, although दिस मे टेक 2 or 3 लेक्चर्स टू कंप्लीट, एंड फॉर श्योर लैक ऑपरॉन को कंप्लीट करने के बाद हम तमाम जितने भी लास्ट 5-6 ईयर से क्वेश्चन आए हैं CSIR के अंदर एक एक करके हम सॉल्व करेंगे. और मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं कि हर कोई क्वेश्चन आप खुद से ही सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन यू हैव टू फोकस हियर, यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. अब देखो, पढ़ना है हमें लैक ऑपरॉन. नाउ व्हाट इज ऑपरॉन? ऑपरॉन क्या होता है? ऑपरॉन एक यूनिट ऑफ जीन रेगुलेशन है, या हम बोल सकते हैं यूनिट ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, जिसके अंदर तीन चीजें आती है. ऑपरॉन के अंदर तीन चीजें आती है, कौन कौन सी चीज? फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है. सेकंड प्रमोटर, एंड थर्ड ऑपरेटर. ये तीन चीजें अगर प्रेजेंट है तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑपरॉन. अब नाम क्या पड़ा है? लैक ऑपरॉन. क्यों? क्योंकि इस ऑपरॉन के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, जब वो अपने प्रोटीन्स एंड इवेंचुअली एंजाइम्स बनाएंगे, वो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज. इस ऑपरॉन के अंदर हमारा मकसद रहेगा लैक्टोज को तोड़ना. अब तोड़ेगा कौन? एंजाइम्स तोड़ेंगे. कहां से आएंगे एंजाइम्स? इन स्ट्रक्चरल जीन से आएंगे एंजाइम्स. ठीक है जी. इसका मतलब हुआ कि ये जो एंजाइम्स हैं जो इन स्ट्रक्चरल जीन से बनेंगे, दैट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज. ऑपरॉन क्या होता है मैंने बता दिया, लैक्टोज लैक क्यों नाम पड़ा ये भी बता दिया. सो यू नो नाउ व्हाट एक्चुअली लैक ऑपरॉन मींस. सेकंड पॉइंट अबाउट लैक ऑपरॉन, इट्स ए कैटाबॉलिक ऑपरॉन. इट इज ए कैटाबॉलिक ऑपरॉन. कैटाबॉलिक अगेन एज आई ऑलरेडी मेंशनड, इसके अंदर एक शुगर को हम तोड़ेंगे,
डाइसेकेराइड है लैक्टोज, इसको हमें तोड़ना है इंटू इट इज मोनोसेकेराइड यूनिट्स, तभी इसका नाम पड़ा कैटाबोलिक ऑपरॉन। इस ऑपरॉन के अंदर इन जीन से जो एंजाइम्स बनेंगे वो तोड़ेंगे लैक्टोज को, सो द नेम कैटाबोलिक ऑपरॉन। नेक्स्ट, इट इज इंडिस्यूबल ऑपरॉन। व्हाट डज दिस मीन? लैक ऑपरॉन नॉर्मली रिप्रेस्ड रहता है। कब हमें इसको एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है? जब भी मीडियम में लैक्टोज होगा ओनली देन ये ऑपरॉन एक्टिवेट होगा एंड हम उस लैक्टोज को तोड़ेंगे इनटू इट्स मोनोसैकेराइड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्यों तोड़ते हैं हम? क्योंकि लैक्टोज से हमें मिलता है ग्लूकोज, ग्लूकोज चाहिए होता है इकोलाई को एज एन एनर्जी सोर्स। ठीक है, इंड्यूस करेंगे हम इसको, इस ऑपरॉन को दिखा दूंगा मैं कि किस तरह हम इस ऑपरॉन को इंड्यूस करते हैं टू मेक द एंजाइम्स दैट इवेंचुअली ब्रेक डाउन द लैक्टोज सो दैट इकोलाई कैन गेट द एनर्जी सोर्स द कार्बन सोर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। लास्ट पॉइंट अबाउट दिस, देन वी विल मूव ऑन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीकी ऑपरॉन। डू यू नो व्हाट? बायोलॉजी में जनरली यूज किया जाता है टर्म स्विच ऑन स्विच ऑफ, लेकिन आई फील कि वी शुड नॉट यूज दैट टर्मिनोलॉजी स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, क्योंकि स्विच ऑन का मतलब होता है कि 100% ऑन हो जाना, स्विच ऑफ का मतलब होता है कि 100% ऑफ हो जाना, लेकिन ऐसा तो बायोलॉजी में होता नहीं है। लीकी ऑपरॉन इसका मतलब है अगर रिप्रेसर प्रेजेंट भी है, अगर रिप्रेसर प्रिवेंट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन को होने से, इसका यह मतलब तो नहीं होगा कि 0% कुछ प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मतलब कुछ बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है बायोलॉजी के अंदर। हमारे सिस्टम के अंदर फिजियोलॉजी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर हर कोई चीज 100% ऑफ या ऑन नहीं होता है। लीकी ऑपरॉन का मतलब है कि रिप्रेसर की प्रेजेंस के बावजूद भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपको मिल ही जाता है, थोड़ा सा प्रोडक्ट मिलेगा लेकिन मिलता जरूर है, तभी हम इसको कहते हैं लीकी ऑपरॉन। ये ऑपरॉन 100% ऑफ सिचुएशन में नहीं रहता है, थोड़ा सा तो लीक हो ही जाता है। ठीक है, नाउ आई विल ड्रॉ द ऑपरॉन स्ट्रक्चर एंड विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप, जस्ट 10 मिनट्स वी विल कवर द लैक ऑपरॉन। अब हम देखेंगे कि किस तरह लैक ऑपरॉन काम करता है। लैक ऑपरॉन के अंदर एज आई मेंशनड स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, सो दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स। इसके अंदर आता है लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। जहां से स्ट्रक्चरल जीन्स स्टार्ट होते हैं वहां मैंने आपको बता दिया था, इसको हम बोलते हैं प्लस वन साइट या ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट। फिर मैंने आपको नॉमनक्लेचर भी बता दिया कि प्लस साइट से राइट में हम कहते हैं अप सॉरी डाउनस्ट्रीम एंड प्लस वन साइट से जो राइट में चीजें लेफ्ट में चीजें आ जाती हैं दैट्स कॉल्ड एज अपस्ट्रीम। ये जो मैंने ऊपर बनाया है यू कैन सी दैट दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नाउ कैसे काम करेगा ये? ये प्रमोटर है यहां से यहां तक, जो रेड पोर्शन में मैंने बनाया है ये ऑपरेटर है। एज आई ऑलरेडी मेंशनड दिस एज वेल कि ऑपरेटर और प्रमोटर ये ओवरलैप करते हैं, देख सकते हो प्रमोटर के अंदर ही ऑपरेटर है। इसके अपस्ट्रीम में एनहांसर है जिसको मैंने कहा था एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट, एनहांसर के बहुत दूर। याद रहे ये जो लैक आई एक जीन होता है, रेगुलेटरी जीन होता है, ये बहुत दूर, यहां पे मैंने बस कुछ ही डिस्टेंस में दिखा है लैक आई, लेकिन असल में ये लैक आई इस ऑपरॉन से बहुत दूर होता है और इस लैक आई को एक प्रमोटर कंट्रोल करता है। अब क्या होगा,
प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। अभी मैं सिनेरियो नहीं ले रहा हूं, सिनेरियो हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में लेंगे, जहां पे हम ग्लूकोस लैक्टोज प्लस वो प्लस ग्लूकोज प्रेजेंट लैक्टोज एबसेंट, लैक्टोज प्रेजेंट ग्लूकोज एबसेंट या दोनों एबसेंट दोनों प्रेजेंट, वो अलग चार कंडीशंस हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं जनरल आइडिया दे रहा हूं अबाउट द लैक ऑपरॉन कैसे काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज ने प्रमोटर के साथ बाइंड किया, या आरएनए पॉलीमरेज फिर आगे की ओर मूव करेगा और लैक जेड लैक वाई लैक ए से ट्रांसक्रिप्ट बनाएगा। यहां से बना ट्रांसक्रिप्ट लैक जेड का ट्रांसक्रिप्ट, आप मान लो इसका जो एमआरएनए वो यहां तक है, लैक वाई का यहां तक, लैक ए का यहां तक, ये है फॉर जेड, दिस इज फॉर वाई, दिस इज फॉर ए। ओके, लैक जेड से ट्रांसक्रिप्ट बना, लैक वाई से ट्रांसक्रिप्ट बना, लैक ए से ट्रांसक्रिप्ट बना। इस जेड से अपना प्रोटीन बनता है, क्योंकि एमआरएनए है, इससे प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन का नाम है बीटा गैलेक्टो साइडेस। वाई जो है, जो लैक वाई से एमआरएनए बना, एक पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए है, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि वाई से बनता है एक एंजाइम दैट्स नोन एज परमीएस, स्पेशली लैक्टोज परमीएस। नाउ ए से बनेगा हमें एक एंजाइम नोन एज ट्रांस एसिटाइलेस। अब आप देखो लैक जेड से बना बीटा गैलेक्टोसाइडेस, लैक वाई से बना परमीएस, लैक ए से बना ट्रांस एसिटाइलेस। सबसे पहले हम देखेंगे इस बंदे को, परमीएस का क्या काम है। परमीएस जो है ये एक सिंपोर्टर है, ये एक चैनल है, ठीक है, एक सिंपोर्टर है। इस परमीएस को यहां से उठा के किसी जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट कर दिया जाता है। मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूं, इस परमीज को मैं उठा के किसी जगह, आई होप कि ये विजिबल है, इस परमीज को यहां से उठा के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, यहां पे मैं दिखाता हूं, इंसर्ट कर दिया जाता है। ये है परमीज जो लैक वाई से बना। अब इस परमीज का काम क्या है, क्योंकि यह है सिंपोर्टर, दो चीजों को साथ साथ अंदर लेके आएगा। अब किस किस चीज को, एक तो प्रोटॉन आएगा, प्रोटॉन का ग्रेडियंट जो है उसका यूज कर करके ये परमेस लैक्टोज को भी अंदर लेके आता है। अब लैक्टोज कहां प्रेजेंट था, जिस मीडियम में इकोलाई अभी सर्वाइव कर रहा है उस मीडियम में मान लो लैक्टोज है। अब उस मीडियम से इस परमेस ने लैक्टोज को अंदर लाया, ठीक है जी, ये इसका काम है परमेस का। अब लैक्टोज अंदर आया, ऐसे मैं दिखाता हूं, लैक्टोज तो अब इकोलाई सेल के अंदर है। लैक्टोज को क्या करना है हमें, हमारा मेन मकसद है लैक्टोज को तोड़ना। बीटा गैलेक्टोसाइडेस जो है ये इस लैक्टोज को तोड़ता है इनटू ग्लूकोस प्लस गैलेक्टोज, इनटू ग्लूकोस प्लस गैलेक्टोज। ये किसका काम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस का, जो लैक जेड जीन से बना था। लैक्टोज को जब हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट किया एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट किया, इस ग्लूकोज को अब ये इकोलाई एज ए कार्बन सोर्स यूज करेगा। हमें पता है इकोलाई के अंदर भी ये ग्लूकोज ये जाएगा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, और ग्लाइकोलाइसिस के एंड में हमें मिलता क्या है, एटीपी मिलते हैं, वही एटीपी तो इकोलाई को चाहिए। इसलिए तो ये ऑपरॉन को चलाना पड़ रहा है, क्योंकि इकोलाई को एक तो कार्बन सोर्स चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फिर उस ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस में भिजवा कर एटीपी का बनाना, दिस इज द मेन मोटिव ऑफ इकोलाई टू ऑपरेट दिस लैक ऑपरॉन। तो बन गया हमारे पास ग्लूकोज जो इस इकोलाई को चाहिए। अब लास्ट, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ ट्रांस एसिटाइलेस। याद रहे, कभी कभी इस सिंपोर्टर से जिससे प्रोटॉन अंदर आता है और लैक्टोज अंदर आता है, कभी कभी अगर मीडियम में कुछ कोई पॉइजन जाहिर हुआ या मीडियम में ऑलरेडी कोई पॉइजन प्रेजेंट है,
फॉर एग्जाम्पल एक पॉइजन है दैट्स कॉल्ड एज टॉन पीजी, ये टॉन पीजी भी एंट्री कर सकता है थ्रू दिस इंपोर्टर. अब चूंकि ये पॉइजनस है ये तो इकोले को मार सकता है, देन व्हाट टू डू, ये ट्रांस एसिटाइलेज इस टॉन पीजी पे एसिटाइल ग्रुप एड करके इस पॉइजन को इनएक्टिव करा देता है. पॉइजन बन गया इनएक्टिव, इसका मतलब है नाउ इट इज नॉट हार्मफुल फॉर इकोलाई. ये जनरल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट था अबाउट द लाइकोपेरॉन. मैं आपको 2 या 3 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं कि हमने पढ़ा क्या इस लेक्चर के अंदर. मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन का एक्सप्रेशन होता है. प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन एक्सप्रेशन करवाने के लिए 2 रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिवेटर होता है और रिप्रेसर होता है. एक्टिवेटर मैंने आपको बताया कि वो अपनी स्पेसिफिक सीक्वेंस से बाइंड करके रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करके पॉजिटिव रेगुलेशन करवाता है. एंड रिप्रेसर अपनी स्पेसिफिक सीक्वेंस यानी ऑपरेटर के साथ बाइंड करके रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को डिक्रीज करके जीन एक्सप्रेशन को डिक्रीज करवाता है. दैट मींस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव रेगुलेशन. मैंने 3 सिनेरियो आपको यहां सिखाए, इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर, एब्सेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर एंड व्हेन बोथ आर एब्सेंट. नाउ ये इसके अंदर हमने पढ़ा कि एक ऑपरॉन होता है जिसके अंदर स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, एक एनहांसर सीक्वेंस होती है, लैक आई जीन है. अब आप बताएंगे कि सर ने ना एनहांसर को डिस्कस किया ना लैक आई को डिस्कस किया, ये हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, मैंने फिर बताया कि आरएनए पॉलीमरेज की जो बाइंडिंग साइट होती है दैट इज द प्रमोटर. आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ बाइंड करके आगे की ओर मूव करता है और लैक जेड, लैक वाई, लैक ए से एक सिंगल ट्रांसक्रिप्ट बनाता है जिसको हम नाम देते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए. अब इस एमआरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे वाया प्रोसेस नोन एज ट्रांसलेशन. लैक जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है, लैक वाई से परमीएज बनता है, लैक ए से ट्रांस एसिटाइलेज बनता है. लैक वाई से जो परमीएज बना ये एक सिंपोर्टर होता है, इसको उठा के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि हम इस सिंपोर्टर को यूज करके एक तो प्रोटॉन्स को और लैक्टोज को अंदर ला सकें. फिर जब ये लैक्टोज अब इकोलेस की सेल के अंदर आ गया, फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेस इस पे काम करके इसको तोड़ करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है. क्यों किया कन्वर्ट हमने? ग्लूकोज हमें चाहिए होता है फॉर एनर्जी पर्पस एज ए कार्बन सोर्स, इसको ग्लाइकोलाइसिस में भेजकर एटीपी बना सकते हैं हम. गैलेक्टोज को भी एक पाथवे के अंदर डाला जा सकता है, इसके ये जो गैलेक्टोज है एट द एंड ये भी ग्लाइकोलाइसिस में हम इसको भिजवा सकते हैं, लेकिन एक सेपरेट पाथवे है. फिर मैंने आपको बताया कि ट्रांस एसिटाइलेज का काम है कि कभी कभार इस इंपोर्टर से कोई पॉइजनस केमिकल आ जाता है लाइक टॉन पीजी, क्योंकि इसको देखा गया है तभी मैंने भी इसी को यूज किया टॉन पीजी. तो ट्रांस एसिटाइलेज इस पॉइजन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप एड करके इसको इनएक्टिव कर देता है ताकि प्रॉपर तरीके से लाइक ऑपरॉन चले. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट सिनेरियोस कि लैक्टोज की प्रेजेंस में किस तरह ऑपरॉन काम करेगा और ग्लूकोज की प्रेजेंस में किस तरह काम करेगा. एक जस्ट 10 सेकंड्स में आपको मैं बता देता हूं, यहां पे LAC means lactose, GLU means glucose. 4 conditions हम develop करेंगे. Lactose present, glucose absent. कैसे काम करेगा? Lactose absent, glucose present. कैसे काम करेगा? दोनों absent है, कैसे काम करेगा? दोनों present है, कैसे काम करेगा? और question generally इस scenario से develop किया जाते हैं and hopefully we will discuss that in the next lecture. अगर आपको मेरा video अच्छा लगा तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि कैसा आपको मेरा पढ़ाना लगा. एंड इफ यू सपोर्ट मी, इफ यू लाइक माय लेक्चर, डेफिनेटली आई विल बी कमिंग विद मोर इंपॉर्टेंट एंड नॉलेजेबल लेक्चर्स. टिल देन सी या एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू अ लॉट.